हेलो फ्रेंड्स ओलेबल आईटी टूल्स के मॉडल पेपर की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ओलेबल का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है जुलाई 2022 से आपके एग्जाम में सिर्फ एमसी के कुछ क्वेश्चन आएंगे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और इसी पैटर्न को देखते हुए हमने एक मॉडल पेपर डिजाइन किया है जिसमें टोल हंड्रेड क्वेश्चन हैं इसमें चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर नाइन के बीच हर एक चैप्टर से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनको आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा खासतौर पर जिन लोगों ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया है ज्ञानिक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपने सिलेबस के दिए गए सभी वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए और इसके साथ साथ आप रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में जो एम सी के क्वेश्चन आएंगे अगर आप सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं तो अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न डिफिकल्ट हो गया है अगर आप एक बार में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे ग्रेड से तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना मस्ट है और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ज्ञानक् स्पी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए यहाँ से आप हमारा ओ लेवल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव आ चुके हैं पेड कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ इस समय लाइव हैं और इस क्लास का जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कुछ टाइम बाद पब्लिश हो जाएगा तो जो बच्चे फ्री में इस मॉडल पेपर की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी क्लास की देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी इन क्वेश्चन के राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहाँ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहां पर किया जाता है ओके okay, चलिए इस क्वेश्चन के राइट right आंसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया जाता है स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल किया जाता है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम में भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऊपर के सभी या फिर ऑल ऑफ द बब और आपके ओ लेवल एग्जाम में भी इसी तरह से एम सी क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए किस प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर किया जाता है डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर किया जाता है लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर या डेजी व्हील या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कैटेगरी की बात करें तो दो तरह के होते हैं इम्पैक्ट और नॉन इंपैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स टाइपराइटर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिस तरह से टाइपराइटर में क्या होता है एक रिबन लगी होती है और एक हेड होता है जिसमें अलग अलग लेटर्स प्रिंट होते हैं तो ये टेक्नोलॉजी हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे इस्तेमाल की जाती है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जैसे कि लेज़र प्रिंटर इंक प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आमतौर पर जो प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है होता है लेजर प्रिंटर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग होता है वर्तमान में कौन सी जनरेशन चल रही पांचवी पीढ़ी चल रही फिफ्थ जनरेशन चल रही और फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है और थर्ड जनरेशन में आईसी और फोर्थ जनरेशन में वी जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट और पांचवी पीढ़ी इसमें क्या इस्तेमाल होता है जी हाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेग्रेशन एंड ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंसोल कीबोर्ड हार्ड ड्राइव और स्क्रीन है तो क्या कंसोल को हम कीबोर्ड हार्ड ड्राइव और स्क्रीन को कहते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता होगा कंसोल विंडो है जो कि ब्लैक स्क्रीन आती है उसको हम क्या बोलते हैं कंसोल विंडो बोलते हैं तो कंसोल क्या होता है एक तरीके का डिस्प्ले डिवाइस होता है अगर यहां पे सिर्फ स्क्रीन दिया गया होता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन ए बट अभी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स फॉल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रैम का कार्य क्या है वट इज द फंक्शन ऑफ रैम मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरीज आती हैं जैसे कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है रैम और दूसरा होता है रोम तो रैम क्या एक बोला मेमोरी है बोला वो मेमोरी होती है जो पावर ऑफ होने के बाद जिसमें डेटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक वो होता है बोला मेमोरी जैसे कि रैम और रोम क्या होता है परमानेंट मेमोरी है और ये नॉन बोलाटाइल मेमोरी कही जाती है इसमें स्टोर होने वाला डेटा ऑटोमेटिक या पावर ऑफ होने के बाद डिलीट नहीं होता है ओके okay. तो रैम का कार्य क्या है रैम में डेटा आप रीड कर सकते हैं और इसमें राइट भी कर सकते हैं जबकि रीड ओनली मेमोरी क्या होता है रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है इसमें राइट नहीं कर सकते बट इसमें कोई तो डेटा राइट करता होगा जो मैन्युफैक्चरर होता है वो इसमें डेटा राइट करता है जिसको कहते हैं बायोस जैसा कि एक फर्म बेयर है उसको कौन राइट करता है मैन्युफैक्चरर तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पढ़ और लिख सकते हैं ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्लॉपी डिस्क 3.5 की स्टोरेज क्षमता क्या है फ्लॉपी अलग अलग साइज में आती है जिसमें से एक काफ़ी कॉमन साइज़ है जिस साइज़ में मेमोरी खासतौर पे फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल हुआ करता था आज के डेट में एक तरह का आउटडेटेड मेमोरी टाइप है और ना के बराबर इसका इस्तेमाल होता है बट अभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं पूछे जा सकते हैं तो फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क आती है इसकी स्टोरेज क्षमता या कैपेसिटी क्या है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1.44 पॉइंट इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लैटिन लैंग्वेज से या भाषा से लिया गया है कंप्यूटर शब्द सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है पूछा जा सकता है सी को गर, कब विकसित किया गया या कब लॉन्च किया गया तो 1982 में इसको लॉन्च किया गया था और सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म क्या है रीड ओनली मेमोरी मींस क्या हो जाएगा फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और सीडी का एक दूसरा भी नाम होता है ऑप्शन भी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बट सी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जैसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है तो ऑप्टिकल मेमोरी में सीडी और डीबीडी प्लस ब्लू रे डिस्क जिसको हम बीडी के नाम से जानते हैं ये भी ऑप्टिकल मेमोरी की कैटेगरी में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया था फर्स्ट जनरेशन में बट इसको कब लॉन्च किया गया था या फिर कब इसको विकसित किया गया था इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नाइनटीन 1904 में इसको विकसित किया गया था वैक्यूम ट्यूब को एनालॉग कंप्यूटर जीरो और वन पर कार्य करते हैं वर्किंग के आधार पे को दो तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है जो भी आ, हमारी फ़िजिकल डेटा होता है फिजिकल वैल्यूज़ को डायरेक्ट दिखाते हैं जैसे कि थर्मामीटर जो का आ, पारा वाला थर्मामीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है और जैसे स्पीडोमीटर आता है हालांकि आज की डेट में मैक्सिमम जो स्पीडोमीटर्स हैं वो डिजिटल हो चुके हैं बट इससे पहले कुछ टाइम पहले जो स्पीडोमीटर्स हमारे बाइक्स या कार्स में इस्तेमाल होते थे वो एक तरह के एनालॉग कंप्यूटर्स थे तो इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि आपका लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल फ़ोन टैबलेट ये सभी डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं और इसमें डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन पे काम करता है मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है और इन दोनों की प्रॉपर्टी जिस कंप्यूटर में होते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर तो मेडिकल सेक्टर्स में बहुत सारी ऐसी मशीनस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक तरह के हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं जैसे कि डायलिसिस मशीन इसका एक एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर का तो एनालॉग कंप्यूटर जीरो और वन पे कार्य करता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉल्स यहाँ पे क्या है जीरो और वन किस पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर में लाइनिक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है तो आपके एग्जाम में विंडोज 10, लाइनिक्स और यूनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है विंडोज से ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे प्लस लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपके पेड कोर्स के अंदर जो हमने प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए हैं इस तरह के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कीजिए लाइनिक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है मीन्स अगर आप लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो आर कमांड का इस्तेमाल करते हैं आर कमांड का इस्तेमाल करके डायरेक्ट्री को हटाया जा सकता है यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टरी का दूसरा नाम क्या है तो डायरेक्टरी को हम फोल्डर के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार के ब्रेक दे सकते हैं तो यूनिट नंबर थ्री में आपका लेब्रो ऑफिस राइटर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट नंबर फोर में कैल्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और यूनिट नंबर फाइव में लेब्रो ऑफिस इंप्रेस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो अगर मान लीजिए आप कोई राइटर में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो इसमें कितने प्रकार के ब्रेक्स दे सकते हैं सबसे पहला एक ब्रेक होता है पेज ब्रेक के नाम से जानते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में भी ब्रेक कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में यहाँ पे और दूसरा इस जगह पे तो आप कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स में भी ब्रेक किया जा सकता है तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक कॉलम ब्रेक और सेक्शन ब्रेक भी किया जा सकता है जैसे कोई हम रिपोर्ट बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी फाइल्स में जो सेक्शंस होते हैं उनको अलग अलग चैप्टर्स में हमें डिवाइड करना होता है तो चैप्टर वाइज हम क्या करते हैं उनको अलग अलग सेक्शंस में ब्रेक कर देते हैं कई बार हमें अलग अलग हेडर और फुटर भी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है किसी रिपोर्ट में तो उस केस में हम क्या करते हैं सेक्शन वाइज हम ब्रेक कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो सेक्शन वाइज आप अलग अलग हेडर्स एंड फुटर्स को भी लगा सकते हो कई बार हमारे एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह के हेडर फुटर के रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट को हेडर सेक्शंस में ब्रेक करना होगा तो आप अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी मींस ऑल अब सूची देखने के लिए किस लाइनेक्स में आ, कमांड का इस्तेमाल करते हैं सूची देखने के लिए लाइनेक्स में कमांड क्या है वट इज द कमांड इन लाइनेक्स टू सी द लिस्ट लिस्ट देखने के लिए लाइनेक्स में एल एस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है इनमें से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट इमेज फाइल फॉर्मेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपके कोर्स जो पेड कोर्स आपने ज्वाइन किया है उसमें इस, इस तरह के सभी टॉपिक्स में बेस्ड वीडियोज मिलेंगे एम पी थ्री ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है ना कि इमेज फाइल फॉर्मेट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है निम्नलिखित में कौन पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है देखिए जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है जीरो वन पे काम करता है बट मान लीजिए हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं जीरो वन का कर इस्तेमाल करके लिखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हर एक तरह के कोड को हर एक स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बाइनरी कोड को याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है तो इसका एक अल्टरनेटिव निकाला गया कि इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाए जैसे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इनको आप ईजिल याद कर सकते हैं समझ सकते हैं और लंबे समय तक आप उसे याद रख सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं बट प्रॉब्लम यहां पे यह है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो जीरो वन पर काम करता है तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं इनको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाता है अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर की किस कैटेगरी में आते हैं तो आमतौर पर सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो कैटेगरीज होती हैं तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं दो तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर का आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं एक होता है कंपाइलर दूसरा होता है इंटरप्रेटर एक और ट्रांसलेटर होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है बट हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इन दो का इस्तेमाल होता है इनका काम एक ही है बट काम करने का तरीका अलग अलग होता है जैसे कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है एक एक लाइन को रीड करता है और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो निम्नलिखित में कौन पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कंपाइलर इज द राइट आंसर कौन अलग है इनमें से कौन अलग है समलर इंटरप्रेटर कंपाइलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बेसिक क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो जाएगा ये सभी क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं जबकि ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी हो सकती है किसी डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी हो सकती है जी बिल्कुल हो सकती है डायरेक्टरी को जैसा कि मैंने बताया इसको फोल्डर के नाम से भी जानते हैं तो एक फोल्डर के अंदर आप दूसरा फोल्डर बना सकते हैं किसी फोल्डर के अंदर हम फाइल या फोल्डर्स को रख सकते हैं तो ऑप्शन ए टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पी ओ पी थ्री और आई एम ए पी में कौन अधिक फ़ायदेमंद है यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि ई मेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है एस एम टी पी एक प्रोटोकॉल होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ई को सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ओवरऑल पूरे मेलिंग सिस्टम में तीन तरह के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है एक होता है आई और दूसरा होता है पी ओ पी थ्री आई एम ए पी और दूसरा होता है पी ओ पी थ्री पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री थोड़ा सा लैग आ रहा है सिस्टम में तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा लैग आ रहा है तो एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ई मेल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि ई मेल को रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं आई एम ए पी और पी ओ पी थ्री अब यहाँ पर बात आती है अगर ये दो मेल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल किस तरह के मेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अगर आप वेब मेल का इस्तेमाल करते हैं जैसे आप ब्राउजर के माध्यम से अपना जी मेल अकाउंट एक्सेस करते हैं तो उस केस में ई मेल को रिसीव करने के लिए आई एम ए पी का इस्तेमाल होता है और अगर आप ईमेल क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि थंडरबर्ड या आउटलुक एक्सप्रेस तो उस केस में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो होता है पी ओ पी थ्री ये ई मेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है ये ई मेल्स को डाउनलोड करके आपके क्लाइंट ई मेल क्लाइंट में स्टोर कर देता है तो यहाँ पे पूछा गया पी ओ पी थ्री और आई एम ए पी में कौन अधिक फायदेमंद है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी आई एम ए पी सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल माना जाता है एज कम्पेयर टू पी ओ पी थ्री क्योंकि ज़्यादा सिक्योर होता है प्लस यहाँ पे ईमेल अकाउंट सिक्योर रहता है इसके माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्विस्टेड पेयर और क्वाक्शियल केबल में डेटा संचरण स्थानांतरण विद्युत प्रवाह के माध्यम से होता है तो क्या ट्विस्टेड पेयर और क्वाक्शियल केबल में जो डेटा होता है वो करेंट्स के फॉर्म में फ्लो होता है जी हाँ बिल्कुल सही जितने भी टाइप के केबल्स होते हैं एक्सेप्ट जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है उसको छोड़ दें तो बाकी सब में करंट के फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह जबकि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का इस्तेमाल किया जाता है लाइट बीम का इस्तेमाल करके डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और इसी वजह से ऑप्टिकल फ़ाइबर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि करंट लॉस होता रहता है कुछ टाइम पीरियड के बाद या कुछ लेंथ के बाद डेटा लॉस होता रहता है बट लाइट के फॉर्म में डेटा भेजने से लॉसेस कम होते हैं और इसी वजह से तेजी से डेटा भेजा जा सकता है तो ट्विस्टेड पेयर और क्वक्सियल केबल में डेटा स्थानांतरण विद्युत प्रवाह के माध्यम से होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ट्रू विंडोज टाइटल बार में विंडो नाम और कंट्रोल बटन दिखाई देते हैं तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है ट्रू हो जाएगा देखिए जब आप कोई विंडो ओपन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का अगर आप विंडो ओपन करते हैं तो सबसे टॉप वाले बार को हम क्या बोलते हैं टाइटल बार यहां पे टाइटल बार की बात की जा रही है तो टाइटल बार पे आमतौर पे देखा होगा उस एप्लीकेशन का नाम या उस फाइल या फाइल या फोल्डर का नाम लिखा रहता है प्लस यहां पे आपको कंट्रोल बटन मिलते हैं जिसमें से मिनिमाइज होता है मैक्सिमाइज होता है और क्लोज होता है तीन क्या बोलते हैं कंट्रोल बटन तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है पेज पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में या इवन अगर आप एम एस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है बट यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है तो उसके इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस इंटर शॉर्टकट की का क्या उपयोग है तो कई अलग अलग तरह के ब्रेक्स होते हैं जैसे लाइन ब्रेक हो गया पेज ब्रेक हो गया सेक्शन ब्रेक हो गया कॉलम ब्रेक हो गया तो कॉलम ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हैं लेब्राफिस राइटर में कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की है तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलम ब्रेक इंसर्ड कॉलम ब्रेक ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है तो आप लोग अपने कोर्स में प्रोवाइड किए गए सभी वीडियो लेक्चर्स को वन बाय वन देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है इसके बाद आपके कोर्स के अंदर जितने भी प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए गए उन सभी को सॉल्व करते रहिएगा बट सिलेबस कंप्लीट करना मस्ट है क्योंकि इस बार एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा सिलेबस अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दो तरह का पेज ओरिएंटेशन होता है एक होता है लैंडस्केप जो कि वर्टिकल पोर्ट्रेट होता है जो कि वर्टिकल फॉर्म में होता है और दूसरा होता है लैंडस्केप जो कि हॉरिजेंटल पेज होता है तो लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क इन दोनों में जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल पेज फॉर्मेट होता है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लैंडस्केप होता है डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन बट आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं डिफॉल्ट यही होता है लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट कुंजी क्या है तो लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है यह आप कैसे देख पाएंगे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जब आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं एक्सटेंशन क्या होते हैं कुछ अलग से अप्लीकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जो एडिशनल फीचर्स अपनी किसी भी एप्लीकेशन के अलग अलग काफ़ी सारे एक्सटेंशन आते हैं अगर उसमें कोई एडिशनल फीचर आप ऐड करना चाहते हो जैसे लिब्रे ऑफिस में भी कुछ एडिशनल फीचर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं टूल्स यहाँ पे जाइए टूल्स मेन्यू के अंदर आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन मैनेजर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई इसका इस्तेमाल करके जो अवेलेबल एक्सटेंशंस होते हैं लिब्रे ऑफिस में एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए उनको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या है डिफॉल्ट हाईलाइट कलर आमतौर पर कौन सा होता है येलो कलर मैक्सिमम अपलिकेशन में अगर आपको हाईलाइट का ऑप्शन दिया गया तो येलो कलर रहता है जो कि हर एक तरह के बैकग्राउंड पे हर तरह के कलर्स पे इफेक्टिव है और इसी वजह से हाईलाइट कलर हमेशा जो डिफ़ॉल्ट है येलो रहता है इवन अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर टेबल नाम का एक अलग से मेन्यू दिया गया है जिससे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर राइटर एक और पॉइंट यहां पे देख लीजिए मे बी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है लिब्रे ऑफिस में कितने अलग अलग तरह के हैं तो देखिए राइटर होता है जो कि एमएस वर्ड की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर दूसरा होता है कैल्क जिसको हम एम एस एक्सएल की जगह पे इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं स्प्रेड तीसरा है यहाँ पे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन जो कि पावर पॉइंट की जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होता है यहाँ पे एक और टूल दिया गया जिसको बोलते हैं ड्रॉ ड्रॉ ड्राइंग, ये ड्राॅइंग टूल होता है जैसे आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है या किसी भी तरह की कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का आ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट है मैथ फार्मूला तो आमतौर पे जो मैथ फार्मूला होता है उसको आप वर्ड या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर पे टाइप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए कुछ अलग से सिंबल्स चाहिए होंगे कुछ अलग अलग तरह के शेप्स चाहिए होंगे जिसके लिए आपको यूज़ करना होगा मैथ फार्मूला यहाँ पे आप फार्मूला जो मैथ में इस्तेमाल होते हैं उन सभी फॉर्मूलेस को टाइप कर सकते हैं लास्ट होता है बेस्ड डेटा बेस जैसे आप सभी ने सुना होगा एम ऑफिस के अंदर एक एम एक्सेस नाम का टूल होता है जो कि डेटा क्रिएट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे बेस्ड डेटाबेस नाम का एक डेटाबेस टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं ओके okay, तो अगर हम राइटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक टेबल नाम का मेन्यू रहता है जिससे आपको टेबल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे देखिए ऊपर टेबल दिया गया है यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं सबसे पहला एक क्वेश्चन बन सकता है टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है तो कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व शॉर्टकट की का कर इस्तेमाल करते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए अब यहाँ से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं रिसाइज कर सकते हैं ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं जैसे किसी कॉलम की हाइट को चेंज करना है या बढ़ाना है कम करना है तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं अलग से आपको ये ऑप्शन दिया गया टेबल मेन्यू का एक और काम यहाँ पे कर सकते हैं जैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं उसी तरह से आप चाहें तो लिब्रे ऑफिस राइटर की टेबल में भी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए एक शॉर्टकट की है एफ का इस्तेमाल कर सकते हैं F2 जैसे प्रेस करेंगे आप फॉर्मूला इंसर्ट कर पाएंगे तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे पूछा गया था ऑफिस राइटर में टेबल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है तो ऑल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं कॉलम के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए बट अगर कम करने के लिए पूछा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कॉलम की चौड़ाई को कम किया जा सकता है राइटर टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है राइटर टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है डॉट ओ टी टी होता है राइटर की टेम्पलेट जो होती है उसका जो फाइल एक्सटेंशन है डॉट ओ टी टी लिब्रॉफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या है फाइंड एंड रिप्लेस क्या है मैंने वीडियोस में प्रैक्टिकल के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो आई होप आप सभी को पता होगा और इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल प्लस एच का कर इस्तेमाल करते हैं जी गौरव जी बताइए जी ओडी आपने क्या बोला फिर से बताइए कौन सा एक्सटेंशन आप बता रहे हैं ओपन है, है, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट यहां पे बात की जा रही पहले आपने क्वेश्चन देखा क्या है यहां पे टेम्पलेट की बात की जा रही है टेम्पलेट पूछा गया है टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है यहां पे टेम्पलेट राइटर की टेम्पलेट का एक्सटेंशन ओपन क्या कह रहे हैं अच्छा ठीक है आपने इसका फुल फॉर्म पूछा है ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट ठीक है जैसे इसका ओपन डॉक्यूमेंट होता है वैसे इसका ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस ठीक है तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है ये भी पूछा जा सकता है ये ऑप्शन कहाँ पे होता है फाइंड एंड रिप्लेस का तो एडिट मेन्यू के अंदर आपको मिल जाएगा एक बार चाहें तो इसको भी देख लीजिए यहाँ से कई और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एडिट मेन्यू से तो अगर आप एडिट मेन्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन दिया गया है एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है गो टू पेज नंबर की शॉर्टकट की क्या है तो कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं गो टू पेज नंबर के लिए बाकी ऑलमोस्ट सारे शॉर्टकट आप जानते होंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है वीडियोस लेक्चर्स में यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है स्पेशल पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है तो कंट्रोल प्लस से प्लस वी होता है और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस से प्लस वी है तो आप कुछ शॉर्टकट कीज आप चाहें तो नोट कर लीजिए अदरवाइज आने वाली कुछ ही दिनों में आपको हम शॉर्टकट कीज़ के अलग से जो पी फाइल्स हैं वो भी आपके कोर्स में अवेलेबल करा दी जाएंगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस कैल क्या राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है देखिए लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो अगर मान लीजिए आप इनके जो डेवलपर्स होते हैं उनको आप फाइनेंशियली कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो एक डोनेट का ऑप्शन रहता है लिब्रे ऑफिस में हेल्प मेन्यू में मिल जाएगा ये लिब्रे ऑफिस राइटर कैल किम्प्रेस इन सभी में कॉमन रहता है हेल्प मेन्यू के अंदर आपको डोनेट का विकल्प मिलता है जहां से आप इनके डेवलपर को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पेमेंट कर सकते हैं हेडर में कौन सी सूचना दी जाती है डेट टाइम पेज नंबर या फिर ऑल ऑफ़ दबअब तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप हेडर में ऐड कर सकते हैं हेडर हमारे पेज का सबसे टॉप पोर्सन होता है जिसको हम हेडर बोलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कि डिफॉल्ट फोन शैली क्या है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लिब्रेशन सेंस होता है डिफ़ॉल्ट फट टाइप और इसी तरह से अगर राइटर में पूछा जाएगा तो लिब्रेशन सेरिफ होता है लिब्रो ऑफिस राइटर में क्या होता है लिब्रेशन सेरिफ जबकि कैल्क में लिब्रेशन सेंस लिब्रो ऑफिस कैल्क का न्यूनतम फोन आकार क्या है तो लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस इन तीनों में मिनिमम होता है टू और मैक्सिमम होता है एक हज़ार लगभग ये नाइन नाइन .99 नाइन पॉइंट नाइन नाइन होता है जो कि एक हज़ार के बराबर है बट अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाते हैं तो वहां आप पे आपको सिक्स मिलेगा मिनिमम और मैक्सिमम मिलता है नाइनटी सिक्स तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ऑफिस राइटर की ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फोन साइज क्या है या फिर मैक्सिमम फोन साइज क्या है तो उसके इसमें सिक्स मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम नाइनटी सिक्स हो जाएगा बट अगर आप मैनुअल तौर पे टाइप करते हैं तो मिनिमम टू होता है और मैक्सिमम होता है एक हज़ार पे पूछा गया न्यूनतम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू हो जाएगा मिनिमम फोन साइज अगला क्वेश्चन देखिए ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट कुंजी क्या है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है राइटर और प्लस एम एस वर्ड दोनों में कॉमन है हाइपर लिंक ले प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेब्रो ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है तो सेम जो हम ऑफिस राइटर की टेबल में कॉलम बढ़ाने की शॉर्टकट की यूज करते हैं सेम वही शॉर्टकट की हम यहां पे भी यूज करेंगे ऑल्ट प्लस राइट एरो मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए मेन ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑफिस कैल्क से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला वाले अलग से चैप्टर में मैंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ बताईं जो भी मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शंस हैं कैल्क में जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किए हुए हैं प्रैक्टिकल के साथ तो आप थियरी जब कवर करेंगे तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है देखिए मिनिमम फंक्शन क्या करेगा मिनिमम वैल्यू निकालता है मीन्स टू आएगा इससे और यहाँ पर मैक्स दिया हुआ तो है तो मैक्सिमम निकालेगा एट आएगा तो अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहां पे एस्टेक इस्तेमाल किया गया तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्सटीन सिक्सटीन इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सम टू कॉमा प्रोडक्ट फाइव कॉमा सेवन तो यहां पे देखिए नेस्टेड फंक्शन का इस्तेमाल किया गया नेस्टेड फंक्शन क्या किसको बोलते हैं अगर किसी फंक्शन के इन साइड में दूसरा फंक्शन इस्तेमाल होता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन और उसको केस में सबसे पहले क्या होता है इनर मोस्ट फंक्शन हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है मीन्स इस केस में प्रोडक्ट फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा प्रोडक्ट का, का काम क्या होता है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना मीन्स फाइव इंटू सेवन होगा तो ये आ जाएगा थर्टी फाइव और प्लस यहाँ पे टू दिया गया है सम फंक्शन क्या करेगा टू कॉमा यहाँ पे आएगा थर्टी फाइव प्रोडक्ट 5,7 के जगह पे क्या आएगा 35 आएगा तो 2,35 मीन्स इन दोनों को ऐड कर देगा तो आएगा 37 मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस स्पेलक में अंतिम पंक्ति और कॉलम क्या है तो लिब्रे ऑफिस स्पेलक में लास्ट कॉलम नेम होता है ए एम जे ए एम जे और जो हमारा <coughs> लास्ट रो नंबर जो होता है लास्ट रो नंबर की बात करें तो वन ज़ीरो फोर एट फाइव सेवन सिक्स फोर एट फाइव सेवन सिक्स ये लास्ट रो नंबर होता है और अगर यहाँ से पूछा जाता है लास्ट टोटल कितनी रो होते हैं तो आप यही नंबर बता सकते हैं वन जीरो फोर एट फाइव सेवन सिक्स लास्ट कॉलम नेम होता है ए एम जे और इसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं वन जीरो टू फोर एक हज़ार चौबीस टोटल कॉलम्स होते हैं तो यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के कि जैसे कितने कॉलम्स हैं वन जीरो टू फोर लास्ट कॉलम नेम क्या है तो ए एम जे लास्ट रो नंबर क्या होता है वन जीरो फोर एट फाइव सेवन सिक्स ओके यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट्स बनाई जा सकती हैं तो बत्तीस मैक्सिमम आप सीट बना सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में ओके okay, तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन जीरो फोर एट फाइव सेवन सिक्स मैक्सिमम रो और ए जे लास्ट कॉलम नेम होता है कैल्क में सेल जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है तो ऑफिस कैल्क में अगर आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस प्लस का कर इस्तेमाल करते हैं और सेल डिलीट करने की शॉर्टकट की अगर पूछी जाती है तो कंट्रोल माइनस माइनस हो जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है अगर आप एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कॉलम इंसर्ट करने का या रो इंसर्ट करने का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में होता है बट लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर एक सीट नाम का मेन्यू है जहाँ से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं या रो को डिलीट कर सकते हैं कॉलम को डिलीट कर सकते हैं ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलते हैं सीट मेन्यू में तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आपके ओलेबल आई टी टूल्स के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे मे बी ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं एनसी के भी क्वेश्चन होंगे प्लस ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आएंगे हालांकि नाइलेट ने भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है कि ट्रू फॉल्स देंगे या नहीं बट पूरा चांस है कि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आएंगे लेब्रो ऑफिस कैल्क में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प मौजूद नहीं है लेब्रो ऑफिस कैल्क में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प मौजूद नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प भी होता है कैल्क में और कहां पे होता है एडिट मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा इसकी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस एच किस मेन्यू में नॉर्मल व्यू विकल्प दिखाई देता है किस मेन्यू में नॉर्मल व्यू विकल्प दिखाई देता है डिजाइन इंसर्ट व्यू या फिर स्टाइल तो व्यू मेन्यू के अंदर जितने भी तरह के व्यूज होते हैं वो सारे मिलते हैं आपको नॉर्मल कहां होगा ब्यू मेन्यू में मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्या हम छिपी हुई स्लाइड को नहीं देख सकते केवल उसका नाम पढ़ सकते हैं तो जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जिनको हम दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप चाहते हो स्लाइड शो में ये स्लाइड्स हमें ना दिखाई पड़े तो उनको हम हाइड कर सकते हैं तो वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी स्क्रीन पर हाइड रहेंगे डिस्प्ले नहीं होंगी बट आप उन स्लाइड्स को कभी भी देख सकते हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं तो यहां पे पूछा गया है क्या हम किसी छिपी हुई स्लाइड को नहीं देख सकते केवल उसका नाम पढ़ सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स उसको देख सकते हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई आप उसे फुल्ली ऑटोमेट करना चाहते हैं कि मैंने एक बार स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपको नेक्स्ट आप करने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिक हर एक स्लाइड एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपके स्क्रीन पर रहेगी उसके बाद वो नेक्स्ट स्लाइड चेंज हो जाएगी अगर आप इस तरह से ऑटोमेट करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन को तो आपके प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में मींस जो हमारा राइटर होता है सॉरी इम्प्रेस होता है या फिर पावर पॉइंट होता है इसमें एक ऑप्शन होता है रियर्स टाइमिंग जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्लाइड को ऑटोमेट कर सकते हैं तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इम्प्रेस में न्यूनतम जूम क्या है अब यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं जैसे इम्प्रेस के बारे में पूछा गया राइटर भी पूछा जा सकता है कैल्क भी पूछा जा सकता है और इम्प्रेस भी पूछा जा सकता है तो राइटर में मिनिमम जूम होता है ट्वेंटी परसेंट सेम कैल्क में भी मिनिमम जूम होता है ट्वेंटी परसेंट और इम्प्रेस में मिनिमम जूम होता है फाइव परसेंट और अगर मैक्सिमम जूम की बात करें तो राइटर में होता है सिक्स हंड्रेड परसेंट और कैल्क में होता है मैक्सिमम जूम फोर हंड्रेड परसेंट बट अगर इंप्रेस की बात करें तो मैक्सिमम जूम होता है इसमें तीन हजार परसेंट तो इनको जरूर याद रखिए यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है तो इम्प्रेस में न्यूनतम जूम क्या है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फाइव परसेंट लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है अब ये नेविगेटर होता क्या है नेविगेटर एक ऑप्शन होता है जो कि आपको व्यू मेन्यू के अंदर मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर कैल इम्प्रेस इन तीनों में होता है नेविगेटर का इस्तेमाल कब करते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कोई स्लाइड है कोई स्प्रेड है उसमें आपने कुछ टेबल इंसर्ट की कुछ ग्राफ इंसर्ट किया कुछ पिक्चर्स इंसर्ट की तो उनको आप नेविगेटर के माध्यम से एक साथ देख सकते हैं जिस भी इमेज है, जिस टेबल पे आप जाना चाहते हैं या जिस ग्राफ पे आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट वहाँ पे पूरी लिस्टिंग रहती है एक तरह का इंडेक्स होता है उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप उस ऑब्जेक्ट पर पहुँच सकते हैं इसके लिए हम नेविगेटर का इस्तेमाल करते हैं तो लेब्रो ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है अगर आप नेविगेटर को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस प्लस एफ फाइव शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं नेविगेटर को इनेबल करने के लिए किसमें ऑफिस इंप्रेस में ऑफिस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है ऑफिस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है इंसर्ट मेन्यू का इस्तेमाल करके आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफिस कैल्क में एक साथ सभी रो को हाइड कर सकते हैं कैल्क में सभी रो को एक साथ हाइड किया जा सकता है जी हाँ सभी रो और सभी कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके हाइड ऑप्शन आता है इससे आप रो एंड कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ट्रू अगला क्वेश्चन देखिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक पेज पर अधिकतम कितने हैंड आउट प्रिंट कर सकते हैं तो सबसे पहली बात हैंड आउट होता क्या है जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसकी जो स्लाइड्स होती हैं अगर आप उन स्लाइड्स को प्रिंट करते हैं तो उसको हम हैंड आउट के नाम से जानते हैं तो किसी एक पेज में अधिकतम आप 32 मींस 32 स्लाइड्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं सिंगल पेज पे हैंड आउट के सिंगल पेज पे मैक्सिमम 32 स्लाइड्स को प्रिंट किया जा सकता है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है ऑफिस, राइटर कैल इंप्रेस इन सभी में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कहां पे होता है एडिट मेन्यू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफिस में मेन्यू की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में मेन्यूज की संख्या कितनी यहां पे प्रभावित बाय मिस्टेक लिख गया हिंदी ट्रांसलेशन में यहां पे होना चाहिए इंप्रेस तो इंप्रेस में नंबर ऑफ मेन्यूज कितने होते हैं तो राइटर कैल्क और इम्प्रेस इन तीनों के बारे में पूछा जा सकता है तो राइटर में टोटल एलेवन मेन्यूज होते हैं कैल्क में अलेवन मेन्यूज होते हैं जबकि इम्प्रेस में टोटल टेन मेन्यूज होते हैं तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टोटल टेन मेन्यूज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से हल्का प्रोटोकॉल कौन सा है हल्का मीन्स लाइट वेट जिसको किसी भी तरह की मशीन पे चलाया जा सके ख़ासतौर पे जो आई ओ टी डिवाइसेज़ होते हैं वो काफ़ी लाइट वेट डिवाइसेस होते हैं इसमें जो हमारे आमतौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इसी वजह से आई ओ टी के लिए कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया गया है जिनमें से एक है एस एस टी प्रोटोकॉल जिसको हम आई ओ टी में इस्तेमाल करते हैं और ये ये लाइट वेट या हल्का प्रोटोकॉल है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है एस एस टी का फुल फॉर्म क्या है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एस टी ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है क्या होता है फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट तो ये भी याद रखिएगा चाहे तो कहीं पे नोट कर लीजिए एग्जाम में आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं देखिए जैसा कि पूछा गया है मैक एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस है तो मैक एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस है मैक एड्रेस को कहाँ पर स्टोर किया जाता है मैक एड्रेस का साइज क्या है मैक एड्रेस को किस भाषा में लिखा जाता है मैक एड्रेस में कितनी संख्याएं होती हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो मैक एड्रेस का एक फिजिकल एड्रेस है फिजिकल एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है एक लॉजिकल एड्रेस है आईपी एड्रेस होता है वो हमारे कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस के माध्यम से आपके मशीन को ट्रैक किया जा सकता है रिमोटली कहीं से भी किसी भी लोकेशन से अगर नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड है तो उसे ट्रैक करने के लिए हम मैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं दूसरा मैक एड्रेस का साइज क्या होता है फोर्टी एट बिट फोर्टी एट बिट्स का होता है साइज फोर्टी एट बिट्स का होता है थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आ रही मे बी सिस्टम में लैग आ रहा है किसी तरह का कोई बैकग्राउंड में अपडेट चल रहा होगा फोर्टी एट बिट्स का होता है अगर ये बाइट में पूछा जाएगा तो 6 बाइट का हो जाएगा 48 को आप 8 से डिवाइड करेंगे बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 6 बाइट का होगा जो मैक एड्रेस होता है इसको किस भाषा में लिखा जाता है तो इसको हेक्स कोड में लिखते हैं मीन्स हेक्जा डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है हेक्स कोड में लिखा जाता है मैक एड्रेस को इसमें कितनी संख्याएँ होती है मैक एड्रेस में टोटली बारह डिजिट का एक हेक्स कोड होता है मैक एड्रेस और मैक एड्रेस को कहाँ पर स्टोर किया जाता है एनआईसी कार्ड जिसको आप इथर कार्ड के नाम से भी जानते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में या लैन कार्ड में या कार्ड 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 तो नेटवर्क इंटरफेस को कुछ और नाम से भी जानते हैं जैसे इसको इसको हम कार्ड भी बोलते हैं और लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं जहां पे हमारा मैक एड्रेस स्टोर रहता है अगला क्वेश्चन देखिए एस भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है बहुत बेसिक क्वेश्चन है सेकेंड पेपर से रिलेटेड आप सभी को बताओगा वेब पेज क्रिएट करने के लिए एस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है एक और इंटरेस्टिंग बात यह किसी भी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज को बिना एस के विकसित नहीं किया जा सकता उसको डेवलप नहीं कर सकते हालांकि उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव या उसके कुछ एडिशनल फीचर्स लेने के लिए आप उसमें अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जी का इस्तेमाल कर सकते हैं मीन्स जावा सी एस एस का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट सभी वेब पेज और वेबसाइट की बीस लैंग्वेज क्या होती है जिसमें लिखा जाता है एस टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसको किसने डेवलप किया है टिम टेमबर्नस ली ने किसी निश्चित समय के लिए प्रेषित डेटा की मात्रा को कहा जाता है तो इसको बोलते हैं बैंडविथ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बैंडविथ के नाम से जानते हैं डब्लू 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 का पूरा नाम यहां पे ध्यान से देखिएगा चार बार W लिखा गया है तीन बार होता है तो क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब बट यहां पे चार बार लिखा गया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अब आप फुल फॉर्म तो याद कर लेंगे बट ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है तो एक सर्च इंजन का नाम है हालांकि ये विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन होने वाला था बट इसको लॉन्च काफी लेट से किया गया 1994 में लॉन्च किया गया और इसी वजह से विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन नहीं बन पाया तो ये क्या है एक सर्च इंजन का नाम है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। ऑप्शन सी इज द राइट right आंसर टोपोलॉजी जिसमें सभी सिस्टम केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से जुड़े होते हैं बहुत बेसिक है टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा जोड़ा जाएगा एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं टोपोलॉजी कई अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज हैं स्टार रिंग बस ट्री हाइब्रिड ये सभी क्या होते हैं टोपोलॉजीज के टाइप्स हैं तो जिसमें सभी सिस्टम केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी और केंद्रीय कनेक्शन बिंदु के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार टोपोलॉजी में हब या फिर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है हब क्या होता है एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है जबकि स्विच क्या है एक यूनिकास्ट डिवाइस है ब्रॉडकास्ट का मतलब है जब भी उसके पास डेटा आएगा वो कनेक्टेड सभी सिस्टम के पास उस डेटा को भेज देगा बट यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है जैसे कि स्विच होता है यूनिकास्ट जिसके लिए वो डेटा भेजा गया है स्विच उस सिर्फ उसी के पास उस डेटा को सेंड करता है इसी वजह से स्विच क्या है यूनिकास्ट डिवाइस यूटीपी का पूर्ण रूप क्या है एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है एस STP टीपी का फुल फॉर्म होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर ये केबल का एक टाइप होता है यूटीपी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर गूगल क्रोम की विशेषता है वेब पेज को गूगल क्रोम के माध्यम से आप वेब पेज को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पीडीएफ में सेव कर सकते हैं आप सभी ने देखा होगा जैसे कंट्रोल पी करते हैं तो सेव एज पी का एक ऑप्शन आता है टी सी किससे संबंधित है तो टीसीपी आई को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं और इसी वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट से संबंधित है अगला क्वेश्चन देखिए चाइना का मशहूर सर्च इंजन कौन सा है बाइडू जो कि चाइनीज भाषा में है अगला क्वेश्चन है किसी फेसबुक पेज में एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं तो आपके सिलेबस में सोशल मीडिया से रिलेटेड भी टॉपिक्स दिए गए और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो किसी फेसबुक पेज में एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं जी हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा उनके अलग अलग रोल्स भी हो सकते हैं EPFO का पूर्ण रूप क्या है तो आपके सिलेबस में कुछ गवर्नमेंट योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं बैंकिंग से रिलेटेड भी टॉपिक्स दिए गए तो यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे तो EPFO का EPFO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मींस एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर पीजीएस का पूर्ण रूप क्या है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ, आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पी जी एस किस रिलेटेड है ई मेल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एक, एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होता है पी जी पी पी जी पी होता है जो पी जी पी ये होता है ई मेल सिक्योरिटी से रिलेटेड इसको बोलते हैं प्रैक्टी गुड प्राइवेसी पी जी एस का फुल फॉर्म कुछ अलग हो जाएगा तो अगर हम इसकी राइट right आंसर की बात करें तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाग, आ, गारंटी भागी भागीदारी गारंटी प्रणाली पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑप्शन सी राइट आंसर है एक ईमेल को एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं जी हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं एक बार में आप अधिकतम 500 लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं ईमेल में कितने भाग होते हैं ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो ईमेल में दो भाग होते हैं यूजर नेम और डोमेन नेम जिसको अलग करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल होता है एट द रेट डिजी लॉकर में नागरिक ई दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अपने खाते में कोई दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकते हैं फॉल्स हो जाएगा इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्लस अपलोड भी कर सकते हैं तो ऑप्शन बी फॉल्स मोबाइल में प्रयोग होने वाले सिम का पूर्ण रूप क्या है यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड भी कई सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ उमंग भी आपके सिलेबस में दिया गया है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म होता है एक तरह का अमरीला प्लेटफॉर्म है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग अभी तक प्लेटफॉर्म हुआ करते थे उन सभी को इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ लिंक कर दिया गया है इसको तेरह अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है इसको आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विंडोज़ प्लस आप इसको एंड्रॉयड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आई ओ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कब लॉन्च किया गया था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ऑप्शन बी 26 नवंबर 2017 को इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डिजी लॉकर पिन में कितनी संख्याएं होती हैं जैसे आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यूपीआई एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए एक यू पिन की ज़रूरत होती है वैसे ही अगर आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं डिजी लॉकर ऐप का कर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक पिन की रिक्वायरमेंट होती है जो आप पिन क्रिएट करते हैं ती कितने डिजिट का होता है कितनी संख्याएं होती है इसमें ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसमें सिक्स डिजिट का यूपीआई सॉरी डिजी लॉकर पिन होता है यदि कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और वे आप और चा, आप चाहते हैं कि लोग इसे देख सकें और संपादित मीन्स एडिट ना कर सके तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए पीडीएफ का इस्तेमाल करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट इसे कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें एडिटिंग नहीं हो सकेगी अगला क्वेश्चन है एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है पूरे सिलेबस से इस मॉडल पेपर में मैंने पूरे सिलेबस से अलग अलग टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं तो इस मॉडल पेपर में एक तरह का पूरा पिक्चर आपको देखने वाला है जो कि आपका आई का जो सिलेबस है आई टूल का उस पूरे सिलेबस से अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर मैंने रखे हैं तो एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है परिवहन विभाग मीन्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ए बी आर एस का पूर्ण रूप क्या है आधार बेस रेमिटेंस सर्विस ए बी आर एस का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आई एफ एस सी कोड में कितनी संख्याएं होती हैं इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड इसमें कितनी संख्याएं होती हैं 11 डिजिट का एक अल्फा कोड होता है ए टी एम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं तो इंडिया में जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होते हैं इसमें टोटल सिक्सटीन डिजिट का कार्ड नंबर दिया जाता है चाहे वो ए टी एम कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सिक्सटीन डिजिट और इसमें एक सी वी नंबर होता है जो लास्ट में दिया रहता है पीछे की तरफ कार्ड में रहता है इसको बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू उसमें थ्री डिजिट होते हैं तीन डिजिट का एक नंबर होता है जिसको हम सी वी नंबर के नाम से जानते हैं अगला क्वेश्चन है ए पी एस का उपयोग करने के लिए हर बार आपके आधार कार्ड नंबर को इनपुट करना आवश्यक है ए पी एस क्या है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इस पेमेंट सिस्टम को किसके द्वारा जारी किया गया एन पी सी आई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो आपके इंडिया में कितने प्रकार के पेमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है एन ई एफ टी नेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं आप काफ़ी कॉमन है आप सभी जानते होंगे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मे बी हमारे सिस्टम में कोई बैकग्राउंड में अपडेट चल रहा होगा एक दूसरा पेमेंट मेथड होता है आर टी जी एस आर टी जी एस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तीसरा एक काफ़ी पॉपुलर है यू पी आई आप सभी जानते होंगे ये भी एक पेमेंट मेथड होता है चौथा एक पेमेंट मेथड है जिसको बोलते हैं आई इन सभी के फुल फॉर्म जरूर याद रखिए एग्जाम में आ सकते हैं और एक पांचवा भी पेमेंट सिस्टम है इंडिया में ए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जैसा कि इसमें दिया गया है ए तो ये पांच अलग अलग तरह के पेमेंट मेथड इंडिया में इस्तेमाल होते हैं नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इमीडिएट पेमेंट सर्विस आई होता है आई होता है ये और तीसरा होता है ए ई आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम तो यू पी और ए ई ये सभी एन के द्वारा मैनेज किए जाते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन तीनों पेमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है एन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इन तीनों पेमेंट मेथड की खास बात है एक तो आप इनको 24 फोर इंटू सेवन इंटू डेज कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस इसमें रियल टाइम में फंड ट्रांसफर होता है जैसे आप किसी के अकाउंट में पैसे भेजते हैं इमीडिएट तो उसके अकाउंट में वो अकाउंट अपडेट हो जाएगा बट अगर आप आरटीजीएस और नेफ्ट के माध्यम से पैसे भेजते हैं तो इसमें फंड ट्रांसफर होने में मिनिमम थर्टी मिनट का टाइम लगता है तो ई का उपयोग करके हर बार अपने आधार कार्ड नंबर को इनपुट करना आवश्यक है जी हाँ बिल्कुल सही जब जितनी बार आप ए का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार आपको अपना आधार कार्ड नंबर एज अ इनपुट डालना होगा आईएफएससी कोड में सम्मिलित है इसमें कितने डिजिट होते हैं कितने नंबर्स होते हैं ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इसमें सेवन डिजिट होता है फोर लेटर्स होते हैं और टोटल कितना होता है एलेवन तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है आई कोड में पांचवी डिजिट में किसका इस्तेमाल होता है कौन सा नंबर होता है पांचवी पोजिशन में क्या होता है तो ये हमेशा जीरो होता है किसी का भी आप आई कोड देखेंगे फिफ्थ पोजिशन पर जीरो रहता है डेंसो वेब कंपनी ने क्या बनाया इसको एक और तरह से पूछा जा सकता है क्यू आर कोड को किसने विकसित किया हुवलप द क्यू आर कोड तो डेंसोवेब कंपनी ने क्यू आर कोड को डेवलप किया था ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डेंसोवेब कंपनी है जिसने टोयोटा कंपनी जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है उसके लिए क्यू आर कोड को डेवलप किया था आई आई एन नंबर में कितनी संख्याएं होती आई आई एन नंबर कौन जारी करता है यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो एनपीसीआई इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर तो इसमें कितनी संख्याएं होती ये पूछा गया तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सिक्स डिजिट का कोड होता है अगला क्वेश्चन देखिए डेबिट क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया था जॉन बेगिंस ने मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तो आप इसको एक बार म्यूट करके देखिएगा पूरा वीडियो और आप खुद से कहीं पे राइट आंसर्स नोट करते रहिए देखिए आपके इस पूरे मॉडल पेपर में कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं प्लस इसका पीडीएफ भी आपके पेड को उसके कंटेंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जल्दी आने वाली कुछ ही दिनों में आपको हर एक क्लास के मींस हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे अगर आपने हमारा ओ लेवल का कॉम्बो पैक ज्वाइन किया है तो उसमें भी आपको चारों पेपर में मॉडल पेपर्स मिलेंगे इवन अगर आपने हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेस को ज्वाइन किया उन सभी में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉडल पेपर जुलाई 2022 के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा और इसी तरह से हम क्लास में डिस्कस करेंगे हंड्रेड क्वेश्चन एज अ मॉडल पेपर और इसका पी भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा क्यू आर कोड संपर्क रहित रूप से काम करता है तो जी हाँ बिल्कुल सही क्यू आर कोड को टच करने की आवश्यकता नहीं होती आप दूर से उसे स्कैन कर सकते हैं और क्यू आर कोड को स्कैन करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट की आवश्यकता होती है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कैमरे का इस्तेमाल करते हैं हंड्रेड रुपीज के नोट का आकार क्या है तो करेंसीज के बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इस तरह के टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं तो जितने भी नए नए करेंसी नोट्स आरबीआई के द्वारा जारी किए गए चाहे वो पांच का नोट हो चाहे दो हजार का हो इन सभी के कलर और डायमेंशन याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ट्रपल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट आईटी टूल का जो सिलेबस है वो ट्रपल सी के लग लग 80 90 सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 66 सिक्स एम एम बाई वन फोर्टी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर किसी कंप्यूटर में वायरस सेंड करना आई एक्ट दो के किस सेक्शन में आता है सेक्शन 43, सेक्शन 66 या फिर सेक्शन 66 ए इन सभी सेक्शंस में आता है अगर आप कंप्यूटर में वायरस सेंड करते हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी या फिर ऑल ऑफ द अबब इनक्रिप्शन किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है इनक्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या फिर मैसेज किसी को करना है तो आप चाहेंगे कि डेटा हमारा जो जा रहा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो इन केस बीच में उस डेटा को कोई रिसीव कर लेता है तो उसको एक्चुअल इंफॉर्मेशन ना मिले तो उसको हम इनक्रिप्ट करके भेजते हैं तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर करना तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स इसमें हमेशा इंटरनेट की आवश्यकता होती है ऑपरेशनल रोबोट कहाँ उपयोग नहीं कर सकते ऑपरेशनल रोबोट्स का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं किया जा सकता है खासतौर पे अगर हम देखें ऑपरेशनल रोबोट्स होते हैं वो फैक्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं वेयर हाउसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं बट इनको प्राइवेट फॉम्स में ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फिशिंग क्या है अब ये फिशिंग वर्ड सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फिशिंग होता क्या है जैसे मान लीजिए आप पीएनबी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं कुछ हैकर्स क्या करेंगे सेम टू तो सेम उसी इंटरफेस की एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और आपके पास एक लिंक भेज देंगे कोई मैसेज भेज देंगे और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको लगता है ये ऑथेंटिक वेबसाइट है पंजाब नेशनल बैंक की ही इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपने लॉग इन क्रेडेंशियल वगैरह आप डाल देते हैं और उस डेटा को वो कहीं पे हैक कर लेते हैं कहीं पे स्टोर कर लेते हैं फिर उसको मिस यूज करते हैं तो इस तरह की जो हैकिंग एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं फिशिंग तो फिशिंग क्या है दूसरा फिशिंग में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे आपको कई सारे यू भेजे गए आप उस यू आर एल पर जाके क्लिक कर देते हैं खा आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह के मैसेज आते हैं उसमें कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं जियो पे आपको दो जी का डेटा फ्री दिया जा रहा है नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें इस तरह के जो मैसेज आते हैं वो फिशिंग का ही एक कॉन्सेप्ट होता है फिशिंग एक तरह से जैसे मछली पकड़ने के लिए आप तालाब पे बैठते हैं इंतजार करते हैं तो इस तरह के जो हैकर्स होते हैं वो ढेर सारे बल्क में अलग अलग लोगों को ग्रुप में मैसेज भेज देते हैं कोई ना कोई तो उस पर क्लिक करेगा फंस जाएगा वो ओके तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैकिंग का एक तरीका है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वाइट हेड हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स को एक साथ बुलाया जाता है अगर वाइट हेड हैकर्स और ब्लैक हेड हैकर्स की दोनों की प्रॉपर्टी जिसके पास होती है उसको किस नाम से जानते हैं ग्रे हैट हैकर्स के नाम से जानते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी समझ लीजिए ताकि इस पर बेस कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए जो वाइट हे हेट हैकरस होते हैं वो किसी लीगल काम को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे बैंकिंग सिस्टम को पहले एक बार सिक्योरिटी लेवल पे टेस्ट करना है कि किस लेवल पे इसको हैक किया जा सकता है कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो नहीं है तो अलग अलग तरह से उसके हैक करके उसको हैक प्रूफ बनाने की कोशिश की जाती है तो इस तरह के जो हैकर्स होते हैं उनको वाइट हेड हैकर्स कहा जाता है या गवर्नमेंट के लिए जो काम करते हैं उनको भी वाइट हेड हैकर्स के नाम से जानते हैं और जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं लोगों से आ, सिस्टम हैक करके उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं फिर उसे मिस uh, यूज करते हैं तो वो हैकर्स क्या होते हैं ब्लैक हैड हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं बट कुछ ऐसे भी हैकर होते हैं जो दोनों तरह से काम करते हैं व्हाइट हेड हैकर्स और ब्लैक हेड हैकर्स तो उनको बोलते हैं ग्रे हेड हैकर्स तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए एंटी वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो देखिए वायरस दो तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरह के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एंटी वायरस आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मींस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में मिलीशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है मिलीशियस सॉफ्टवेयर किस टाइप के सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो मेलवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उसको मिलीशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है डेटा और पासवर्ड की कौन सुरक्षा करता है इनक्रिप्सन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन या फिर नॉन रेपोडेशन डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है इनक्रिप्सन इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा और पासवर्ड अगर आप रखते हैं तो सिक्योर रहता है तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा एंटी स्पूपिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर स्पूपिंग से बचा जा सकता है यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्पूफिंग ये क्या होता है जैसा कि मैंने अभी बताया फिशिंग के मामले में वहाँ पे स्पूफिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है स्पूफिंग एक तरह की किसी जेनुन साइड की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना या जेनुन एप्लीकेशन का एक डुप्लीकेट एप्लीकेशन इस्तेमाल करके आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना या हैक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो इसको बोलते हैं स्पूफिंग तो इसको एंटी स्पूफिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोका जा सकता है इससे बचा जा सकता है तो ऑप्शन ए ट्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जटिल नियम आधारित कार्य को स्वचलित करने के लिए रोबोट प्रक्रिया स्वचलन तकनीक जिसको किसकी आवश्यकता नहीं होती है रिपोर्ट तैयार करें फॉर्म भरने की लॉग इन या लॉग आउट करने की या फिर प्रोग्रामिंग कौशल की तो ऑटोमेशन सिस्टम में आपको प्रोग्रामिंग स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप करके रख दिया जाता है बस आप उससे रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग स्किल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसे डेवलप किया जा चुका है और प्रोग्रामर्स ने उसे डेवलप करके उसकी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया है जब आप किसी सॉफ्टवेयर स्टैक को जोड़ते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम अनुप्रयोग सेवा मीन्स एप्लीकेशन सर्विसेज तो मॉडल किस मॉडल में शिफ्ट हो जाता है अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल भी कई अलग अलग तरह के होते हैं जैसे पी ए एस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एस ए एस इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और आई ए एस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस तो ये तीन तरह के मॉडल्स होते हैं तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर स्टैक को जोड़ते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग सेवा एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो ये किस मॉडल में शिफ्ट हो जाता है तो ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मींस एस ए एस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है क्रैकिंग पासवर्ड इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है किसी भी सिस्टम को हैक करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है उसका पासवर्ड क्रैक करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्रैकिंग पासवर्ड का क्षेत्र जिसमें फिंगरप्रिंट पहचान लिखावट की पहचान शामिल है ए का कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें फिंगरप्रिंट की पहचान की जा सकती है या फिर हैंडराइटिंग की पहचान की जा सकती जी हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन ए पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है एआई में फिंगरप्रिंट या फिर हैंडराइटिंग की पहचान करने के लिए मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकती है ऐसी मशीन को किस नाम से जानते हैं या फिर क्या नाम दिया गया है पर्सनल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर या फिर रोबोट्स जी हाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रोबोट्स के नाम से जानते हैं मिश्रित वास्तविकता जिसको बोलते हैं मिक्स्ड रियलिटी का अनुभव आभासी वास्तविकता मीन्स वर्चुअल रियलिटी और संवर्धित वास्तविकता मीन्स ऑगोमेंटेड रियलिटी से तत्वों को जोड़ता है देखिए वर्चुअल रियलिटी जिसमें हम एक आभासी वातावरण का आभास करते हैं या आभासी वातावरण में रहते हैं उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी और दूसरा होता है एक संबंधित वास्तविकता संवर्धित मीन्स ऑगोमेंटेड रियलिटी की बात करें तो इसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ साथ फ़िजिकल इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है आजकल ऐसे ढेर सारे गेम्स अवेलेबल हैं जिसमें आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ साथ आप अपने आसपास के जो फिजिकल चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ भी मिलकर आप गेम को खेलते हैं तो वहाँ पर कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ऑगोमेंटेड रियलिटी मीन्स संवर्धित वास्तविकता के इस्तेमाल होता है और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसके इसमें बनता है मिक्सड रियलिटी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टैंड कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता और अन्य कंप्यूटर में फैलता है इसको बोलेंगे एक ऐसा मालवियर प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्लिट होता रहता है अगर वो सिस्टम इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड है पारंपरिक एआई तकनीक में आज भी निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं मीन्स ट्रेडिशनल ए की बात करें तो इसमें आज भी कौन सा इस्तेमाल किया जाता है पैलर प्रोसेसिंग पैटर्न रिकॉग्निशन ह्यूरिस्टिक या फिर सर्चिंग इनमें से किसको छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं पैलर प्रोसेसिंग को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन ह्यूरिस्टिक एंड सर्चिंग ये सभी शामिल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और को प्रेषित करता है राइट right आंसर क्या हो जाएगा स्पाइवेयर स्पाइव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है जैसे आप कीबोर्ड का अगर स्पाइव यूज करते हैं या कोई यूज कर रहा है तो आपके कीबोर्ड पे कौन कौन सी की प्रेस की जा रही है पूरा रिकॉर्ड करके किसी और के पास भेज देगा या फिर वेब का भी इस्तेमाल आ जाए स्पाइव किया जा सकता है या कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आपके सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर करते रहते हैं तो ये सभी क्या होते हैं स्पाईवेयर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर या साझा करते रहते हैं तो अब आइए देखते हैं इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या हैकर के द्वारा कंप्यूटर को हैक करना हमेशा गलत और तो दंडनीय है जैसे कि मैंने बताया तीन तरह के हैकर्स होते हैं व्हाइट हैट ग्रे हैट और ब्लैक हैट तो हमेशा सिस्टम को हैक करना गलत नहीं होता है कई बार हम उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए भी सिस्टम को हैक करते हैं तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्रू तो ये था इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन उम्मीद है आप सभी को क्लास काफी पसंद आई होगी तो अगर आपने अभी तक हमारी कोर्स में पूरा कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप अपने एग्जाम से पहले कंप्लीट कोर्स जरूर तैयार कर लीजिए कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स तैयार कर लीजिए तभी आपको अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन समझ में आएंगे ऐसा मत कीजिएगा कि अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है और आप कुछ अलग अलग एम सी क्वेश्चन देखना शुरू करें और आप सिलेबस कम्प्लीट ना करें ठीक है तो ये मॉडल पेपर का जो पी है आपके कोर्स में आ, कुछ टाइम बाद अपलोड कर दिया जाएगा इसमें लास्ट में मैंने आंसर्स भी ऐड कर दिए तो आप चाहें तो इसको एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा देखिए आपके हंड्रेड में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं मैंने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ इस पूरे मॉडल पेपर में हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस लिए हैं दस से बारह क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से मैंने लिया है जैसे कि टोटल नाइन चैप्टर्स हैं आई टूल्स में तो हर चैप्टर पर बेस्ड हमने क्वेश्चन लिए हैं अभी जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं उनको भी हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे रिज्यूम करने वाले हैं प्लस एक बार मॉडल पेपर हम चाह रहे हैं पहले स्टारो पेपर के अवेलेबल करा दें उसके बाद जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं उनको हम कॉन्टिन्यू कर लेंगे तो अभी चारों पेपर्स के मॉडल पेपर्स आ जाएंगे फिर हम इसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट पे चल रही हैं तो उनकी भी प्रैक्टिकल क्लासेस भी बीच बीच करते रहेंगे ठीक है गौरव जी तो जी ओके 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 आपने हमारा कोम्बो पैक ज्वाइन किया हुआ है उसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कोई इशू नहीं है ओके okay, तो बस इस क्लास को करते हैं यहीं पे ओवर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग